खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में स्माइल परिवार सिंधी सेवा समिति का छठवां दायित्व ग्रहण समारोह 12 जनवरी 2019 दिन रविवार को एक निजी होटल में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसमें अध्यक्ष पद पर सुरेन गिडवानी, सचिव पद पर रोहित मेघानी, कोषाध्यक्ष पद पर कमल चौथवानी ने दायित्व की शपथ ली। वहीं मुस्कान महिला संयोजिका पद पर प्रिया गिडवानी, अंजू सचदेवा, भूमिका तलरेजा को उनके पद की शपथ स्नेहा सेहता ने दिलाई। उक्त मौके पर निवर्तमान संयोजिका गढ़ मेहर चावला, मुस्कान चावला उपस्थित। मैं सुरेश गिडवानी, अध्यक्ष पद स्माइल परिवार। किस तरह का शपथ ग्रहण समारोह क्या है? ये छठवां पद ग्रहण समारोह होता है। मैं इस पे अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हुआ हूँ। क्या दायित्व होगा? आप अध्यक्ष पद मिला है आपको? हमारा ध्येय है कि हम सेवा कार्य करें, नीचे आदमी को ऊपर ले आए, समाज के लिए करेंगे हम, सिंधी समाज के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए हर सेवा दें। क्या होगा वर्षवर्धन कार्य? शिक्षा का, गरीबी होगा, वस्त्र वितरण होगा गरीबों को, और सेवा जितने काम होंगे उतने मैं करने की कोशिश करूंगा। वहीं मुख्य अतिथि अशोक तलरेजा, विशिष्ट अतिथि दौलत जादवानी, मार्गदर्शक एस कुमार सुखवानी, दीक्षाधिकारी जय प्रदवानी चिरह। वहीं कार्यक्रम का संचालन संरक्षक रवि सेहता, जिम्मी वाधवानी ने किया व धन्यवाद ज्ञापन प्रकाश आशीष कलवानी ने किया। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजक के रूप में सतीश छाबड़ा, पंकज जाजानी, भानु वाधवानी, रितेश काशवानी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से अमित चांगरानी, चंद्रशाह, सुनील वाधवानी, हिमांशु खट्टर, रोहित आडवानी, गौरव आहूजा, मुकेश रहेजा, महेंद्र लखमानी, नरेश रामचंदानी, सतीश मंशानी, दिलीप खत्री, दीपक साधवानी, मुकेश टहलानी, प्रदीप रामचंदानी, शशि छाबड़ा, सीमा रूपेजा मौजूद रहे। मैं अंजू सचदेवा, वाराणसी के रहने वाली, पेशे से मैं अध्यापिका हूँ। क्या इस बार लक्ष्य होगा आपका? क्या करना होगा सिंधी समाज के लिए और समाज के लिए? सबसे पहले पेपरलेस वर्क, और क्या विज्ञान है हमारा, क्या शिक्षा अहमियत रखती है, ये दूर दूर तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारा समाज जो हमारी सिंधियत है हमारी, उसका हमारे आज के जनरेशन में क्या वैल्यूज़ है, इसको हम अपने सामने लेके आएंगे। हालांकि वैसे हमारा स्माइल समाज को लेके पारिवारिक सारे प्रोग्राम 4 साल से बहुत अच्छे कर रहा है, लेकिन हर साल कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो इस साल हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी लेके आएंगे जो आपको अगले साल देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। एक आप शिक्षक हैं जी, समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो क्या आपका समाज कुछ इस तरह का करेगा? जी ज़रूर, हम करते भी हैं। हमारी कंप्यूटर शिक्षा चलती है जो निःशुल्क चलती है, और हम गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी सिखाते हैं जो हम बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, तो उस प्रक्रिया में हमारे काम ऑलरेडी। दायित्व ग्रहण समारोह है स्माइल परिवार का। हम लोग हर साल इस तरीके से पदाधिकारी चयनित होते हैं ताकि समाज में बेहतर से बेहतर कार्य किए जाएं। सिंधी समाज कई मायनों में काफ़ी पीछे है, हम लोगों को उनके लिए काफ़ी कुछ करना है, कुछ विज़न है। टीम हर बार सेलेक्ट होती है ताकि वो अपने हिसाब से समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। ये कितने सालों से संस्था चली आ रही है? छठा दायित्व ग्रहण समारोह है, 6 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, छठा शुरू हुआ। कुछ विशेष लक्ष्य इस साल करने के लिए अलग से? बिल्कुल, दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो करने हैं। पहला तो सबसे पहले कि सिंधी भाषा के लिए हम लोगों को कुछ करें। दूसरा, समाज में जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए कुछ कर पाए तो बहुत बहुत बढ़िया हो। आपको बता दें कि स्माइल परिवार संधि सेवा समिति संधि समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।